आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले पहले इन्होंने श्री राम को ताले में बंद किया, अब बजरंग बली की बारी है। बच्चों के बीच पहुंचे पीएम मोदी तो किसी ने कहा डॉक्टर बनेंगे, तो किसी ने पुलिस, तो प्रधानमंत्री ने पूछा पीएम बनने का मन नहीं करता। तमिलनाडु में भाजपा को बढ़ता देख डीएमके सरकार का दांव, मंदिरों की 2400 करोड़ की भूमि से कब्जा हटवाए, श्रद्धालुओं को नाश्ता दे रहे हैं। फारूक बोले G20 कश्मीर लद्दाख में जम्मू क्यों नहीं, भाजपा ने कहा घाटी के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके विकास में बाधा ना बने। तीसरी जीत की दूसरी वर्षगांठ पर ममता बोली लोकतंत्र में जनता से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, भाजपा ने मनाया काला दिवस। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में तीर्थहल्ली में बीजेपी पर बरसे राहुल, कहा पीएम बताएं भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या कदम उठाएं। सलमान रुश्दी की विक्ट्री सिटी से प्रभावित हुए शशि थरूर, कहा नोबेल प्राइज देने का समय आ गया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान, बोले सरकार ने न्यायपालिका को कमजोर नहीं किया लेकिन लक्ष्मण रेखा का सम्मान करना चाहिए। कर्नाटक चुनाव में भाजपा बोली बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा भगवान हनुमान का अपमान, कांग्रेस को जवाब देगी जनता। सिर्फ वादा करती है कांग्रेस, पूरा नहीं करती ओवैसी, बोले कर्नाटक में मुस्लिम वोटों को बांटने नहीं आया हूं। शराब नीति के चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी नाम, बैठक में उनकी मौजूदगी का जिक्र, आरोप नहीं, संजय सिंह ने 82 लाख चंदा लिया। बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया चक्रवात 6 मई से एक्टिव होगा, वैज्ञानिक बोले जमीन के ठंडा होने का मानसून का असर नहीं पड़ेगा। महावीर फोगाट का बड़ा बयान, कहा द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए पैसा मांगा जा सकता है तो महिला खिलाड़ियों के साथ कुछ भी हो सकता है। बिहार झारखंड में 14 स्थानों पर एनआईए की छापेमारी, फुलवारी शरीफ मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। असम के दरंगा फील्ड फायरिंग रेंज में धमाका, हिमाचल प्रदेश का एक जवान शहीद, सेना ने जांच के आदेश दिए हैं। सीतापुर में चुनाव से पहले भाजपा की सेंधमारी, सपा नेता व उद्योगपति आशीष गुप्ता अपनी पत्नी व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हुए। महिला पहलवानों के समर्थन में उतरी मेनका गांधी, सुल्तानपुर में मीडिया से बोली अफसोस की बात है, भगवान करे उन्हें न्याय मिले। लखनऊ व्यापार मंडल का मेयर चुनाव को भाजपा में समर्थन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आश्वासन के बाद बनी सहमति। मुजफ्फरनगर में गठबंधन नेताओं की चेतावनी, विधायकों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया, साजिश हुई तो देंगे मुंह तोड़ जवाब।
महाठक संजय शेरपुरिया के ठिकानों पर ईडी की रेड, लखनऊ, वाराणसी और गाजीपुर में कई अहम दस्तावेज खंगाले। कोर्स की किताबों के नाम नहीं बता पाए टीचर, प्रयागराज के बीएसए पहुंचे स्कूल, बच्चे नहीं पढ़ पाए अंग्रेजी, टॉयलेट मिले गंदे। लखीमपुर खीरी में मां बेटी की गला काटकर हत्या, एसपी ने जांच पड़ताल के वारदात के खुलासे को सीओ के नेतृत्व में गठित की थी। रामपुर में पूर्व विधायक की कार पर पथराव, बहनोई के विवाद में चालक गाड़ी लेकर आया था, पूर्व विधायक व जिला मंत्री पहुंचे थाने। संभल में थमा प्रथम चरण के निकाय चुनाव का प्रचार, भाजपा पश्चिमी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बोले सेमीफाइनल है निकाय चुनाव। बच्चे को 30 मिनट तक नोचते रहे खोखार कुत्ते, बरेली में कुत्तों ने मासूम पर हमला बोला तो भागकर दलदल में जा गिरा 11 साल का आयान। उन्नाव में आग लगने से 12 परिवारों की लाखों की गृहस्थी चली, पूर्व सांसद अनु टंडन ने पहुंचाई राहत सामग्री। देवरिया सरकारी धन के बंदर मार्च में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित, डीपीआरओ और जेई अभियंत्रण ने की थी जांच। उन्नाव में डीएमएसपी ने निकाय चुनाव को लेकर की बैठक, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय पुलिस की होगी तैनाती। मतदान केंद्र के पास शराब की दुकानें सील, वाराणसी में आज रवाना होंगी 100 वार्डों की पोलिंग पार्टियां। अर्धसैनिक बलों की निगरानी में होगा मतदान, यूपी के 37 जिलों में पीएससी की 86 कंपनियां रहेंगी तैनात। राहत देने गांव गांव पहुंच रही सरकार, धुलकी को 9, रामलाल को 8, केसिया को 7 योजनाओं में मिले राहत की गारंटी। मेरठ में शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, युवती शादी करने के लिए बोलने पर युवक हुआ फरार, पीड़िता ने तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिरोजाबाद में निकाय चुनाव को लेकर डीएम एसपी ने ली बैठक, 15 दस्तावेजों से मतदाता डाल सकेंगे वोट। चुनाव से पहले पुलिस और बीएसएफ का रूट मार्च, मुरादाबाद में एसपी सिटी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरी पुलिस, पोलिंग सेंटर एरिया में कड़ी चौकसी। छात्रा से गंदी हरकत करने वाले की जमानत अर्जी खारिज, मुरादाबाद के मॉलडीव फार्मा की छात्रा के साथ की थी घिनौनी हरकत। बाराबंकी से बारात लेकर आया दूल्हा पहुंचा हवालात, पहली पत्नी के पहुंचने पर घंटों पर हुआ हंगामा, लड़की पक्ष ने शादी से किया इनकार। हापुड़ में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 तस्कर गिरफ्तार, 27 अवैध तमंचे बरामद कर लिए गए, अवैध फैक्ट्री चला रहे थे स्ट्रीट शीटर बदमाश। कानपुर में नकली चमड़ा उत्पाद बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी, ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली पर्स और बेल्ट बनाने वाले 2 गिरफ्तार। व्यापारियों को साधने में जुटी भाजपा, औद्योगिक विकास मंत्री व व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक करेंगे व्यापारी सम्मेलन। बुलंदशहर में पति के हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा, कोटे 30,000 का लगाया जुर्माना, 11 साल बाद पूरी हुई सुनवाई।
और अया में खड़े ट्रक में पीछे से टकराई बाइक, एक की मौत, एक गंभीर सैफई किया गया रेफर, सड़क पर नो एंट्री में खड़ी ट्रक। मैनपुरी में जुलूस निकालने पर निर्दलीय प्रत्याशी पर एफआईआर, रोड शो के नहीं ली थी अनुमति, भाजपा से बगावत पर 6 साल के लिए पार्टी से बाहर। उन्नाव में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने किया रोड शो, धारावाहिक रामायण के पात्र राम और सीता को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। अम्बेडकर नगर जिला अस्पताल में 5 और जगहों पर लगेगा कैमरा, लखनऊ में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करेंगे अधिकारी। तेईस जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट, सुल्तानपुर में 46, मुजफ्फरनगर में 44 एमएम बारिश, 4 मई तक बदले ही रहेगा मौसम। सिमधामी ने केसरी चंद जी के बलिदान दिवस पर किया नमन, कहा स्वाधीनता संग्राम में आपका द्वार दिया सर्वोच्च बलिदान अस्वमरणीय। उत्तराखंड में आसानी से नहीं खरीद पाएंगे जमीन, पहले वेरिफिकेशन कराना होगा, सरकार बोली पहचान छुपा कर लोग जमीन का सौदा कर रहे थे। मारपीट विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद मामले में सीएम ने मंत्री अग्रवाल को किया तलब, डीजीपी को जांच के आदेश दिए हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के बाहर क्यूआर कोड पर पेटीएम की सफाई, 5 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मंदिर समिति को बताए बिना लगाए थे बोर्ड। उत्तराखंड में बर्फबारी को देखते हुए आज स्थिति रहेगी केदारनाथ यात्रा, पुलिस ने की सहयोग की अपील। उत्तराखंड में जोशीमठ के मुद्दे पर दिल्ली में बैठक, पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज पर लग सकती है मुहर। उत्तराखंड में खाई में गिरी गंगोत्री जा रहे उड़ीसा के यात्रियों की कार, टायर फटने से वह हादसा ऐसे बची जा। बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, यूपी के यात्रियों की कार पर पहाड़ी से गिरा बड़ा पत्थर, बाल बाल बची जान। ऋषिकेश में बीच सड़क पर युवक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल में हाथापाई, वीडियो हुआ वायरल। उत्तराखंड में यमुनोत्री जा रहे राजस्थान के यात्रियों की बस हुई हादसे का शिकार, फिसल कर खाई की तरफ पलटी। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने सरकार से लिया मांगा जवाब। देहरादून में गांधी पार्क के सामने बेक मास्टर नाम की बेकरी में भीषण अग्निकांड, एसी के कंप्रेसर में हुआ धमाका, मची अफरा तफरी। उत्तराखंड में एयरपोर्ट के पास जंगल में युवक की लाश मिलने से मचा हड़कंप, शरीर पर मिले चोट के निशान, हत्या की आशंका। उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बर्फबारी, श्रीनगर ऋषिकेश में रोके गए यात्री, बद्रीनाथ में ठंड से साधु की मौत। मंदिर समिति ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत, पेटीएम ने मांगी माफी, अब तक 67 लाख रुपए का डोनेशन मिला है। बर्किंगम पैलेस के बाहर शख्स गिरफ्तार, कारतूस फेंके थे, संदिग्ध बैग भी मिला। किंग चार्ल्स तृतीय की ताशपोशी से 4 दिन पहले हुई घटना।
मरियम नवाज के खिलाफ केस करेंगे इमरान की पत्नी। नवाज की बेटी का आरोप, पति के लिए घूस लेती थी बुशरा, करोड़ों रुपए कमाए हैं। जापान में वुमन सिक्योरिटी के लिए नया बिल, स्कर्ट या दूसरे कपड़ों में आपत्तिजनक फोटो लेने पर 3 साल की जेल होगी, जुर्माना भी लगेगा। भारत को ब्लैकलिस्ट करवाना चाहता था अमेरिकी कमीशन, बीजेपी सरकार पर लगाए मुस्लिमों से भेदभाव के आरोप। एक जून तक डिफॉल्टर हो जाएगा अमेरिका, वित्त मंत्री ने दी चेतावनी, कर्ज की सीमा नहीं बढ़ी तो बिल नहीं भर पाएगी सरकार। पाकिस्तान में कपूर हवेली पर मालिकाना हक वाली याचिका खारिज, वकील का दावा राज कपूर यहां रहे इसका कोई सबूत नहीं। सूडान में 7 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा, सेना और अर्धसैनिक बल के बीच बनी सहमति। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ेगा संपर्क, उत्तराखंड से जुड़ेंगे पश्चिमी प्रांत के पर्यटकों का होगा लाभ। पापुआ न्यू गिनी के भूकंप से कांपी धरती, 5.6 तीव्रता के झटके महसूस किए गए, कुल 5 बार महसूस किए गए भूकंप के झटके। इमरान खान को सता रहा है हत्या का डर, कोर्ट में कहा मेरे खिलाफ तीसरी बार रची जा रही है मर्डर की साजिश। देश के रियल एस्टेट मार्केट में तेजी, 5 साल में सबसे ज्यादा मोहाली में बड़े घरों के दाम, नए प्रोजेक्ट्स में गुजरात आगे। दिवालिया होने की कगार पर गो फर्स्ट 2 दिन के लिए फ्लाइट सस्पेंड की, डीजीसीए ने एयरलाइन से 24 घंटे में मांगा जवाब। सैमसंग ने एम्प्लॉयज के लिए एआई टूल्स को बैन किया, सेंसिटिव डेटा लीक होने के बाद कंपनी ने उठाया कदम। अडानी ग्रीन टोटल गैस का मुनाफा बढ़ा, चौथी तिमाही के नतीजों के बाद ग्रीन और टोटल गैस में शेयरों में तेजी आई है। डुकाटी मॉन्स्टर एसपी टूरर बाइक भारत में लॉन्च, एबीएस ऑन कॉर्निंग और ट्रांजिशन कंट्रोल जैसी सेफ्टी फीचर, एक्स शोरूम की कीमत 15.95 लाख रुपए। चार महीने के हाई पर बेरोजगारी दर अप्रैल में बढ़कर 8.11% पर पहुंची, शहरों गांव से ज्यादा हालात खराब है। कस्टमर्स को 130 करोड़ रुपए देगी ओएलए सब्सिडी के लिए, ई स्कूटर की कीमत कम रखी, ग्राहकों के अलग से चार्जर भेजे। पांच साल में दुनिया में खत्म होगी 1.40 करोड़ नौकरियां, डिजिटल कॉमर्स शिक्षा और कृषि में मौके बढ़ेंगे, डब्ल्यूईएफ की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। पांच साल में 7,800 वर्कर्स को निकाल सकता आईबीएम, एम्प्लॉयज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस करने की तैयारी में कंपनी। व्हाट्सएप ने मार्च में बैन के 47 लाख अकाउंट, यूजर्स ने भारतीय कानून का व्हाट्सएप के नियमों का उल्लंघन किया। दिल्ली ने गुजरात को पहली बार हराया, आखिरी ओवर में शांत शर्मा ने बचाए 12 रन, अमन ने जताया पहला अर्धशतक। धरने पर बैठे रेसलर्स ने लौटाई पुलिस सुरक्षा, बजरंग पुनिया ने स्टूडेंट से मांगा साथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकालेंगे मार्च।
फ्लाईवे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे आशीष, ईरान के बॉक्सर मेसम घेकशालाघी को 4-1 से हरा दिया। टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया बनी नंबर वन, दूसरे स्थान पर फिसली ऑस्ट्रेलियाई टीम। WTC फाइनल से पहले भारत के 3 बड़े खिलाड़ी चोटिल हुए। नेपाल ने पहली बार एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया, UAE को हराकर की एंट्री, भारत पाकिस्तान में होगी भिड़ंत। IPL में छोटी टीमों में बड़े सितारे, अफगानिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और नामीबिया के खिलाड़ी अपनी टीमों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेसी को उनके क्लब PSG ने किया सस्पेंड, क्लब को बिना बताए गए थे सऊदी अरब टीम के साथ खेलने पर 2 हफ्ते तक रोक। हारने के बाद बल्लेबाजों पर भड़के हार्दिक पांड्या, बोले मैंने मैच जीतने की पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रहा, ये मेरे लिए पीड़ादायक है। सीनियर खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, शाहिद अफरीदी का नवीन उल हक लेकर किया गया पुराना ट्वीट हुआ वायरल। यशस्वी जायसवाल को याद आए पुराने दिन, बोले टेंट में रहते हुए वानखेड़े की लाइट और शोर सुना था। नीतू कपूर के साथ नाटू नाटू गाने पर थिरकी पद्मिनी कोल्हापुरी, प्रेम रोग एक्ट्रेस ने शेयर किया वीडियो। सूरज पंचोली की मां ने तोड़ी चुप्पी, बोली बीते 10 सालों में बेटे ने ढंग से खाना नहीं खाया, किसी मां को ऐसा दुख ना मिले। शैलेश लोढ़ा के लीगल एक्शन पर असद का पलटवार, बोले उनके इस कदम से आहत हूं, लोगों को पैसे नहीं मिले तो 15 साल से शो कैसे चल रहा है। कियारा को एयरपोर्ट से पिक करने आए सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा को देखते ही गले लगाए फैंस, बोले सो स्वीट। दी केरल स्टोरी पर नहीं लगा सकते रोक, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा फिल्म को मिल चुका है सर्टिफिकेट, ये हेट स्पीच का मामला नहीं। जिम के बाहर दिखी श्रद्धा कपूर, फैंस ने की नो मेकअप लुक की तारीफ, बोले बिना मेकअप के लिए और भी फ्रेश लग रही हैं आप। अमिताभ बच्चन ने हायर किया नया फिटनेस इंस्ट्रक्टर, रणबीर कपूर के ट्रेनर शिवोहम से ले रहे ट्रेनिंग, योगा और एक्सरसाइज पर ध्यान दे रहे हैं। परिणीति राघव चड्ढा इस महीने करेंगे सगाई, 13 मई को नई दिल्ली में होगा फंक्शन, अभी तक दोनों ने नहीं किए ऑफिशियल अनाउंसमेंट। पोन्नियिन सेल्वन 2 ने वर्ल्ड वाइड में 200 करोड़ की कमाई की है, फिल्म में ऐश्वर्या राय ने मां मंदाकिनी देवी और बेटी नंदिनी दोनों का रोल किया है। ड्रग केस से मुक्ति पाने के लिए मुनमुन धमोचा ने किया कोर्ट का रुख, आर्यन खान के साथ समानता की अपील की है। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।